आधार कार्ड को लेकर के लोग अक्सर परेशान रहते हैं, कभी अपडेट करना पड़ता है या कभी कुछ और। वहीं आपकी सारी परेशानी को लेकर के या आपके सारे सवालों के जवाब को लेकर के इस वक्त हम आधार का जो सेवा सेंटर है, आधार सेवा केंद्र जो है वहां पर आए हुए हैं। जम्मू में है ये, कनाल रोड के पास। आपको भी अगर कुछ मुश्किलात आ रही हैं आधार कार्ड को लेकर के, अपना नाम चेंज कराना है या डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है, फोटो चेंज कराना है, तो आप जरूर इस ऑफिस के अंदर आइए। हम आपको ऑफिस के अंदर भी ले चलते हैं। आप अभी देख सकते हैं काफी सारे लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंचे हैं और टोकन लेने का काम जो है वो चल रहा है। अंदर भी जाकर के हम इनके जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करेंगे और इसके पूरा जानने की भी कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन लोगों ने टोकन लिए हुए हैं वो अपना काम अलग अलग काउंटर्स पे जो है वो करवा रहे हैं। और इसी तरह हम लोगों ने भी मुनासिब समझा, क्योंकि लोगों को बहुत सी दिक्कत इस समय आधार कार्ड को लेकर के आ रही है। उन्हें कभी सीएससी सेंटर पर जाना पड़ता है या दूर जो गाँव में लोग रहते हैं उन्हें जब कोई काम पड़ जाता है स्कूल में या किसी ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए जब वो चले जाते हैं, उनका नाम गलत आता है या डेट ऑफ बर्थ गलत आती है, फिर वो अलग अलग चक्कर लगाते हैं दुकानों पे, या अगर वो किसी साइबर कैफ की दुकान पर चले भी गए तो वहाँ उनसे चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। इसके चलते हमने मुनासिब समझा क्यों ना हम आधार केंद्र सेवा जो है ये सेंटर है वहाँ पर चलें और वहाँ से आप सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश करें। अभी हम इनके जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ इस पर कहना होगा, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ आप लाइव जुड़े हो आप ज़रूर वीडियो को भी जो है वो शेयर करिए। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सर्विसेज जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इनसाइडर में। पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ आप लोग यहाँ पे आए। सर थोड़ा सा बताइएगा, लोग बहुत परेशान रहते हैं अक्सर, जो गाँव में लोग रहते हैं या जो नहीं जानते हैं कि उनको जब प्रॉब्लम आती है आधार कार्ड को लेकर के, या तो उनका नाम गलत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, फिर वो जाते भी है अगर आम दुकानों पर, एक तो उनसे चार्जेस बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, ऊपर से उनका काम नहीं होता है। लेकिन आपका जो ये आधार सेंटर है यहाँ पर आकर के लोगों को किस तरह की सुविधा जो है वो मिलेगी और कितने वक्त में ये सब मुश्किलात उनकी हल की जाए? देखो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसके भी आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन है वो किसी ऑथराइज्ड आधार सेंटर पे ही जाए, किसी लोकली शॉप वॉप पे मत जाए जो उनसे पैसे ले। उनको चाहिए वो किसी ऑथराइज्ड आधार सेंटर जो उनके पास अगर लोकली नहीं है या उनको नज़दीक ये पड़ रहा है तो बेटर है उनको यहाँ पे आना चाहिए। और दूसरा जो भी करेक्शंस हैं उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी होने चाहिए, जैसे किसी का नाम होगा नाम गलत है तो उसको वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो हमारे आधार की जो वेबसाइट पे लिस्टेड है उनमें होना चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। किसी का डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जो भी हमारे और भी एक दो डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट के, बर्थ डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए हमारी वेबसाइट पे वो होना ज़रूरी है। अगर किसी ने एड्रेस चेंज करना है उसके लिए भी जो भी हमारे लिस्टेड में डॉक्यूमेंट है वो उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक लाके उसका एड्रेस चेंज करा सकते। बाहर की अगर हम बात करें, बाहर दुकानों पर लोगों से कहीं 50 रुपये, कहीं 100 रुपये, और इतने भी हमारे पास कंप्लेंट आई कि 200 रुपया जो है लोगों से लिया गया है नाम चेंज कराने का या फोटो चेंज करने का, अगर वो लोग उन दुकानों के बजाय आपके पास आ जाएँ यहाँ कितने उनको चार्जेस देने पड़ेंगे और कितने वक्त में उनका काम हो जाएगा? देखो ये जो बाहर क्या लेते हैं मुझे उसका कुछ पता नहीं है, बहुत सारी शिकायतें यहाँ पे भी आई हुई है तो, बट हम उनसे जो बाहर जो हम कोशिश करते हैं कि उनको बंद कराए जहाँ जहाँ जो जो हमें मिले। हाँ उनको चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो ऑथराइज सेंटर, मैंने आपको कहा किसी ऑथराइज सेंटर में, जैसे हमारा ऑथराइज सेंटर है यहाँ पे वही रेट लिया जाता है जो एज़ पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है। वो हमारे यहाँ बाहर भी रेट लिस्ट लगा हुआ है, अंदर भी रेट लिस्ट लगा हुआ है, कैश काउंटर पे भी रेट लिस्ट लगा हुआ है, और जो रिसिप्ट मिल जाता है जो आधार में जो भी उसने करेक्शन करनी है उसमें जो रिसिप्ट मिल जाता है उस पर भी रेट मेंशन की होगी। अगर किसी का नया बनाना हो उसमें कोई चार्ज नहीं लेते। न्यू नया आधार कार्ड अगर आप लोगों को बनाना है, आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, नया आधार कार्ड बनाना है, वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। लेकिन इनसे जानेंगे जो बाकी करेक्शन रहती है, हमारी जो ऑडियंस अभी जुड़ रही है उन तक भी ये हम बात पहुँचा, कितने कितने चार्जेस अगर नाम चेंज कराना हो, फोटो चेंज कराना हो, उसका कितना चार्जेस रहता है? देखो न्यू एनरोलमेंट बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, न्यू एनरोलमेंट में कोई चार्ज नहीं लिया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल किसी ने डेमोग्राफिक चेंजेस करने, डेमोग्राफिक चेंजेस में आते हैं, किसी ने नाम में करेक्शन करनी है, किसी ने एड्रेस में चेंज करनी है, किसी ने फोन नंबर लिंक कराना है, उसके खाली 50 रुपए चार्ज। लेकिन डेमोग्राफिक चेंजेस अगर किसी ने इस चीज के साथ साथ किसी ने बायोमेट्रिक भी अपडेट कराने हैं, बायोमेट्रिक मीन उसके फिंगरप्रिंट, उसके फोटोग्राफ अपडेट करने हैं, बायोमेट्रिक चार्जेस 100 रुपीज है। अगर वो अकेले भी अलग बायोमेट्रिक खाली बायोमेट्रिक ही कर दें, उसके भी 100 चार्जेस है। अगर उसमें उसने उसके साथ करेक्शन भी कुछ करनी है, वो भी इसी में आ जाता है, उसके 100 रुपीज चार्ज से। और दूसरा ये मैंडेटरी फ्री बायोमेट्रिक है, 5 से 7 साल के बीच में जो भी बच्चा है उसका पहली बार एक अपडेशन आता है, 5 से 7 साल के बीच में वो टोटली फर्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। यहाँ पे भी बच्चे आ जाते हैं जो भी 5 साल, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेशन हो जाती है। और दूसरा 15 से 17 साल के बीच में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के अपडेट कराने। जो भी 5 साल के छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे हम आधार कार्ड जो बनाते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते, उसके 5 साल के बाद उनके फिंगरप्रिंट्स अपडेट किए जाते हैं, वो पहली बार उनके 5 से 7 साल के बीच में अगर उसने अपडेट कराया वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। चलिए, हमारे साथ मैनेजर जुड़े थे यहाँ पे जिन्होंने सारी जानकारी आप तक पहुँचाई कि अगर आप ऑफिस तक आते हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर के भी आप आ जाइए, अगर कुछ गलती होती है आधार कार्ड में आपका कुछ और है लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या 10th का मार्कशीट है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपकी वो सारी सुविधाएँ, आपकी जो सारी मुश्किलात हैं उनका इजाला होता है। और भी कुछ कहना चाहेंगे क्या कहें? देखो, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आधार कार्ड हमने जो पहले बनाए उसमें, तब 10 साल पहले बनाए थे, उसमें हमने कोई डॉक्यूमेंट चेंज नहीं किए, डॉक्यूमेंट अपडेशंस नहीं की, तब जो आधार कार्ड बने थे घर आके एक सर्वे हुआ था उसके बेस पे बना डॉक्यूमेंट। मैं चाहता हूँ कि जिसने भी आधार कार्ड, जिसको भी 10 साल हो गए अभी तक उसने कोई चेंज उसमें नहीं किए, फॉर एग्जाम्पल कोई एड्रेस का अपडेशन नहीं हुआ, नाम का अपडेशन नहीं हुआ, उसको चाहिए कि वो अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कराए। डॉक्यूमेंट अपडेट वो यहाँ आके भी करा सकते हैं, यहाँ उसके 50 रुपीज चार्ज है। अगर उसका मोबाइल नंबर लिंक है, वो जानकार है उस चीज़ का कि मैं ये खुद कर सकता हूँ, वो अपने आप खुद भी कर सकता है, माय आधार जो हमारा आधार पोर्टल है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकता है। लेकिन बेटर है जो जिसको नहीं आए वो यहाँ पे आए ताकि उसका आधार कार्ड चला रहे, नहीं तो बहुत सारे आधार कार्ड जिनने अभी तक अपडेट ही नहीं किए उनके सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे बच्चों के वो अपडेट कराते नहीं हैं उनके सस्पेंड हो जाते हैं, लोग बड़े जो डॉक्यूमेंट अपडेशन नहीं कराते वो फिर कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वो किसी के वो फ्रॉड निकल जाते हैं तो वो बहुत सारे आधार कार्ड कैंसिल भी हो जाते हैं। हमें चाहिए वक्तनी तौर पर जो हम पहले से ही अपने आधार कार्ड में अपडेशन कराए, बच्चों के अपडेशन कराए, उनका मोबाइल नंबर लिंक रखे, उनका नाम सही रखे, एड्रेस सही रखे, ताकि उनको फॉर एग्जाम्पल किसी फॉर्म भरने में कोई तकलीफ ना आए, किसी एडमिशन के चक्कर में उस टाइम पे फ़ोन नंबर लिंक नहीं होता फिर बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। पहले से ही हम अपने आधार कार्डों में, हमने बच्चों के आधार कार्डों में अपडेशंस करेक्ट रखे ताकि कोई दिक्कत ना आए उनको आगे। चलिए, इनकी ज़बानी आपने सुन लिया, क्या कुछ इनका कहना था कि आप वक्त रहते अपने कार्ड को जो है आप अपडेट करिए, नहीं तो जब आपको ज़रूरत पड़ी उस वक्त आपको और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब जिन लोगों को आता है, जिनके पास टेक्निक अच्छी है, टेक्निकल हैंड अच्छा है, वो जानते हैं, आप पोर्टल पर भी जा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, यदि परेशानी आ रही है तो आप ज़रूर जो है वो सेंटर पर आएँ। ये खाली आप डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हो खुद से, बाकी चीज़ें आप नाम में करेक्शन या किसी चीज़ में बायोमेट्रिक में फ़ोटो वो आप से नहीं कर सकते, वो आपको आधार सेंटर ही आना पड़ेगा। और दूसरा ये चीज़, हमारा जो सेंटर है हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, इवन संडे को भी ये खुला रहता है, सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। चलिए, आपके लिए और आसानी हो गई, अगर आपको बाकी 7 दिनों में आप अपना काम कर रहे हैं, आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन एतवार को भी आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त इस ऑफिस में भी काफ़ी सारे लोग जो हैं आए हुए हैं, और इनका भी जो खाली ये वो लोग हैं जिन्होंने टोकन ले लिया हुआ है, अब कुछ ही वक्त में इन लोगों का काम यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद ये निकलेंगे। आप भी बने रहे और इस वीडियो, इस खबर को जो है ज़रूर शेयर करिए जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हर कोई इस प्रॉब्लम से गुजरता है, ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम ना आए, वो अपने नज़दीकी जो उनका आधार सेवा केंद्र है वहां चले जाएं, ज्यादा जानकारी वहां पर मिलेगी और जल्द आपका काम हो जाएगा और आपका वक्त भी जाया ना होगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।